जागतिक महिला दिनानिमित्त सोलापूर पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेसचं संचालन रविवारी फक्त महिलांनी केलं. जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून महिला सशक्तीकरण अभियानाअंतर्गत मध्य रेल्वेच्या वतीनं विविध उपक्रम साजरे केले जातात. सोलापुरात यंदा प्रथमच एक आगळा वेगळा कार्यक्रम घेण्यात आला. सोलापूर पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेसचं संचालन फक्त महिला कर्मचाऱ्यांनी केलं. यासाठी विविध विभागवार महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सोलापूर पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस चालवण्याचं काम लोको पायलट अनिता राज यांनी केलं, तर को लोको पायलट म्हणून स्नेहल अंबरकर यांनी काम पाहिलं. टेक्निशियन ग्रेड 1 म्हणून जयश्री रुपनर, तर टेक्निशियन ग्रेड 3 म्हणून पल्लवी बिराजदार, बसम्मा रेशमा निलिमा यांनी काम पाहिलं. पॉइंट्समन म्हणून पुष्पा कांबळे आणि उमा कोपरे यांनी काम पाहिलं. यामध्ये त्यांनी गाडीला सिग्नल देणं, इंजिन जोडणं हे कार्य केलं. गार्ड म्हणून रमिता कुमारी यांनी काम पाहिलं. उपस्टेशन प्रबंधक म्हणून ऋतिक हरवाळकर यांनी काम पाहिलं. तिकीट तपासनीस म्हणून एस व्ही पुरंदरे, एस एन सिंदकर, एस पी गर्दे यांनी काम पाहिलं. तिकीट खिडकीवर तिकीट देण्याचं काम आर के देवकुळे, अंजना प्रसाद, परवीन सय्यद, कल्पना नडगमकर यांनी बजावलं. मंडल रेल प्रबंधक शैलेश गुप्ता, अप्पर मंडल रेल प्रबंधक व्ही के नागर, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रदीप हिरडे आणि अन्य अधिकाऱ्यांचं स्वागत बुकिंग कार्यालयात मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक रवी प्रकाश मेंगर आणि अनिल दिवटे यांनी केलं. दिस लोको पायलट ऑफ सोलापूर डिव्हिजन और मुझे एक लोको पायलट होने पर बहुत गर्व फील होती है, लेकिन जब घर से मुश्किल आती है तो बहुत टेंशन में आ जाती हूं. अगर आप लोग की मेरे लिए ट्रांसफर हो सकती है तो सर प्लीज सर थोड़ा करवा के दीजिए, ताकि मैं सब चीज को एकदम संभाल सकूं, घर का भी, माँ बाप को भी, बूढ़े माँ बाप के लाठी हूँ उनको भी संभाल सकूं, बिहार से हूँ. आणि माझं स्वप्न लहानपणापासूनच होतं की मी लोको पायलट नाहीतर पोलीस सब इन्स्पेक्टर व्हावं. ह्या दोघांपैकी मी एकच निवडलं. मग सिलेक्शन तर माझं लोको पायलटमध्ये झालं आणि 26 ऑगस्ट 2019 रोजी. आणि आज हुतात्मा एक्सप्रेस फर्स्ट ट्रीप होती माझी आणि खूपच व्यवस्थितरित्या मी पार पाडलो. आणि असेच प्रामाणिकपणे आणि व्यवस्थित मी पुढे कार्य करणार आणि पुढे तुम्हाला मी भविष्यात DME होण्याचं स्वप्न माझं आहे आणि तो मी नक्कीच कम्प्लीट करणार. और यहाँ पे हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, यहाँ पे हमें मतलब ये जो जिस तरह से फेलिसिटेट किया है तो वी फील वेरी लकी टू बी हियर. रेलवेज़ में जो लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ग्रो करने के लिए, वो बताता है कि असलियत में इंडिया में कितना वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी लेडीज़ हैं, कितने सारे वुमेन लोग काम कर रहे हैं ऐसे चीज़ में जो कि बहुत डिफ़िकल्ट. जो रेलवे में जो जॉब होता है वो एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब नहीं होता है, वो एक जॉब एक बहुत ही आउट ऑफ द वे और आउट ऑफ द नॉर्मल फील्ड से एक अलग जॉब होता है. तो ये सभी लड़कियाँ जो यहाँ पे काम कर रही है तो इसके लिए मुझे लगता है कि आई फील वेरी प्राउड कि किस तरह से वो जो बहुत मुश्किल एरियाज का रेल के कार्य के होते हैं उसमें भी वो आगे बढ़ चढ़ के उन सभी जिम्मेदारियों को, उन सभी कार्यों को बखूबी निभा रही हैं जो आज तक सिर्फ मैन करते हुए आए हैं. और उनका ये जो जज्बा है काम करने का, ये इसलिए और ज़्यादा काबिल तारीफ़ है क्योंकि सभी महिलाएं आजकल के टाइम पे भी ये सभी महिलाएं अपने घर बार भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, तो उनके लिए ये एक तरह से दोगुनी जिम्मेदारी वाला कार्य वो लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ. और साथ में रेलवे प्रशासन की ओर से हमारा आगे से और ऐसा कदम लिए जाएंगे जिसमें हम
महिलाओं की भागीदारी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें रेल कार्यों में।